हेलो एवरीवन, वारित्रा के ई पाठन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर त्रिआयामी आकृतियाँ यानी 3D शेप्स बनाना सीखेंगे। हम आज घनाभ और शंकु बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम घन से शुरू करते हैं। घन बनाने के लिए हमें एक पेपर लेना होगा, थोड़ा हार्ड पेपर रहेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें उसको मोड़ने में आसानी रहेगी। हम 3-3 इंच के कुछ पॉइंट निशान लगाएंगे। मान लीजिए मैंने इस तरह से 3-3 इंच के 3 निशान लगा लिए हैं, 3 पर, 6 पर और 9 पर। तो 3-3 इंच के निशान लगाने के बाद मैं 3-3 इंच के 4 निशान इस तरीके से लगाऊंगी। यहाँ पर 3 निशान लगाए थे, यहाँ पर 4 लगाऊंगी। 1, 2, 3 और 4, और इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला दूंगी। अब ये जो डॉट था इससे भी 3-3 इंच के निशान लगाऊंगी। 1, 2, 3 और 4, और एक लाइन इस तरह से लगाकर इनको मिला दूंगी। अब मैं इन पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दूंगी और हमारे पास कुछ बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। और हमें एक टी शेप की आकृति यहाँ पर मिलेगी। अभी मैं यहाँ पर बाउंड्री से इसको काटना शुरू करूंगी। सिर्फ बाउंड्री से काटेंगे हम लोग, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सिर्फ बाउंड्री से हम इसको काटेंगे। हम ये अंदर की जो लाइन है इनको हम लोग नहीं काटेंगे। तो हम इसको काट लेते हैं। इस तरीके से हमें एक टी शेप की आकृति मिलेगी। हम इस टी शेप की आकृति को हम स्केल लेंगे और यहाँ से इसको मोड़ना शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ पर लाइन बनी हुई है वहाँ वहाँ से हम इसको मोड़ेंगे इस तरीके से। बिल्कुल इस तरीके से। और हम इसको मोड़ने के बाद में इसको जोड़ते जाएंगे जिस तरीके से, जिस साइड ये मोड़ रहा होगा इस तरीके से। और हम देखेंगे कि हमें एक घन की आकृति मिली है बिल्कुल इस तरीके से। हम इसको चाहे तो टेप की हेल्प से जोड़ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरह से एक घन मिला है चिपकाने के बाद में। अभी हम लोग घनाभ बनाना सीखेंगे। घनाभ बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि घनाभ घन से अलग होता है और उसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, जबकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने पॉइंट्स को लगाना है। हम यहाँ से पहले 3 का पॉइंट लेंगे, फिर हम 4 इंच लेंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। फिर हम 3 इंच लेंगे, 1, 2, 3, यानी कि पहला डॉट लगा 3 पर, दूसरा डॉट लगा 7 पर और तीसरा डॉट लगा 10 पर। तो इसी तरीके से हम 4 डॉट यहाँ पर लेंगे ऊपर के साइड, और पहला डॉट लगाएंगे हम लोग 3 पर, दूसरा डॉट लगाएंगे 4 पर, तीसरा डॉट लगाएंगे 3 पर और चौथा डॉट लगाएंगे 4 पर। इसी तरीके से इस लाइन को टच करते हुए इधर भी हम लोग डॉट्स लगाएंगे। पहला डॉट लगाएंगे 3 पर, फिर 7 पर, फिर 10 पर और फिर 14 पर, और लाइंस यहाँ से हम लोग खींच लेंगे। अभी हम इनको काट लेंगे, सिर्फ बाउंड्री काटेंगे, अंदर से नहीं काटेंगे। इस तरह से
और अभी हम घन की तरह इसमें जो लाइन दी हुई है उसको इस तरीके से मोड़ते जाएंगे। और अभी हम इनको इस तरह से घनाभ का शेप देंगे। अब देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक घनाभ की आकृति मिली है। अभी हम लोग एक शंकु बनाना सीखेंगे। शंकु बनाने के लिए हम फिर से एक पेपर लेंगे और उसको एक वर्ग काटेंगे। इस तरीके से और वर्ग काटने के बाद हम इनको इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों जुड़ जाएं। और हम यहाँ पर टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद में हम नीचे से इसको गोलाई में काट देंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेपलर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से एक शंकु बनाकर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें टेप यहाँ पर स्टेपलर लगाने के बाद में इसमें नीचे कवर भी लगा दिया है ताकि ये आसानी से खड़ा हो सके। आप देख सकते हैं हमारे पास घन, घनाभ और शंकु तीनों आकृति हम कितनी आसानी से बना सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।